करेरा नगर में स्थित दुकानदारों के द्वारा नकली कीटनाशक दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, जिसको बंद करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती को बंद करवाने जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह फौजी के नेतृत्व में करेरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख है कि नकली कीटनाशक व खरपतवार दवाइयों का विक्रय करेरा में स्थित दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट और ख़राब हुई हैं। दुकानदारों की दवाओं की जांच कर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। यह है कि करेरा में कहीं दुकानों पर नकली कीटनाशक और खरपतवार की दवाइयों की बिक्री बिना किसी भय के खुलेआम की जा रही है। इन नकली दवाओं के कारण किसानों के धान मूंगफली की फसल नष्ट हो गई है और कृषि से संबंधित कीटनाशक दवाइयां, खाद बीज दुकानदारों पर मनमानी दरों पर ये बेचे जा रहे हैं। पत्र में उल्लेख है कि बिजली विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे कि किसानों की फसल समय पर पानी न देने से नष्ट हो रही है। इस दौरान करेरा विधायक प्रागीलाल जाटव, डीपी श्रीवास्तव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष वीर सिंह गुर्जर, महिला सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष भावना अहिरवार, जिला महामंत्री साबर खान, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा, मीना जाटव, किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुशवाहा, सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान मौजूद थे। एसडीएम को ज्ञापन दिया, खाद बीज के संबंध में बताएं थोड़ा सा क्या? देखिए, कई दिनों से किसानों की शिकायतें आ रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में नकली खरपतवार और कीटनाशक दवाइयों का प्रकोप है, जो किसानों को औने पौने दामों में बेची जा रही हैं, जिनकी वजह से कई किसानों की फसलों नष्ट हो चुकी हैं। करीब 400 बीघा जमीन की मूंगफली बिल्कुल सूख चुकी है और किसान रोड पे आ चुका है। इसको लेके आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एसडीएम महोदय के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि इन पे कार्रवाई की जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए और जो रेट लिस्ट है वो बाहर दुकानों पे चस्पा की जाए, जिससे कि किसान को पता चले कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ कितनी कीमत की हैं, कौन सा बीज कितने का है, कौन सा खाद कितने का है, जिससे कि ठगी से बचा जा सके। इस चीज़ को लेके आज हमने किसान कांग्रेस के लोगों ने, किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होके और किसानों को एकजुट होके आज ज्ञापन दिया है। इस पर कार्रवाई की मांग की है।